आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के खास कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात हम भोपाल की नहीं देश की उभरती सिंगर आकृति मेहरा से कराने वाले हैं। आकृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आकृति के साथ संगत पे हैं हरीश। हरीश गिटार पर संगत देंगे आकृति को। आकृति, शुरुआत हम आपके एक गाने से करेंगे। हाँ जी, सिंस मैं लता जी को फॉलो करती हूँ तो उन्हीं का एक बहुत ही खूबसूरत सभी लग जा रहा है। बहुत करीब हैं आप लता जी के, और लता जी कहीं सुनेंगी तो उनको भी लगेगा मेरे करीब कोई तो है। आकृति, कोशिश है। हाँ, शुरुआत आपने कैसे की कि आपको कब लगा कि मैं अब गा सकूँ? एक्चुअली म्यूज़िक की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे कहीं फैमिली के साथ, तो मैं टेप के साथ कैसेट्स के साथ गाना गाती थी, तो पापा को सुन के लगा कि आवाज़ अच्छी है शायद, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे म्यूज़िक का बैकग्राउंड नहीं है, सब इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो उन्हें आवाज़ सुन के लगा कि गा सकती है। तो फिर एक प्राइमरी स्टेज से उन्हें सिखाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कुछ कॉम्पिटिशन्स में गई, वहाँ जीता, कुछ शोज़ मिले, फिर धीरे धीरे इस तरीके से। आपने तो इंजीनियर की बात की, अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियर बताया, आप भी इंजीनियर ही हैं? जी जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और मास्टर्स भी किया है मैंने स्ट्रक्चर्स में, सिविल से ऑनर्स। अचानक से इंजीनियरिंग करते करते आप सिंगिंग प्लेटफॉर्म पे आ गई, पापा ने आपको मोटिवेट किया, तो कब आपको लगा कि अब मुझे स्टेज परफॉर्मेंस देनी चाहिए, मैं परिपक्व हो चुकी हूँ स्टेज के लिए? एक्चुअली जब मैंने सीखना शुरू किया था तभी थोड़ा थोड़ा कुछ फैमिली फंक्शंस होते थे या कहीं गेट टुगेदर होती थी, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा गवाते ही थे, क्योंकि पता है सीख रहे हैं तो सभी गवाते हैं, तो उससे थोड़ी झिझक, थोड़ा हेजिटेशन मिटा, और फिर धीरे 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 फिर बड़े लेवल पे कोशिश की आने की, और अभी भी वो कोशिश जारी है। आखिर सीखा कैसे, सीखने की शुरुआत कैसे? वही जैसे स्कूल में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे कुछ कोयर ग्रुप में या कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में, तो वहाँ भी धीरे धीरे सीखना शुरू किया। फिर जब ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो मैंने पर्सनल ट्यूशन्स ली, घर पे भी सर आते थे सिखाने, फिर भोपाल में अच्छे से सीखना शुरू किया। अब भोपाल और मुंबई में दोनों जगह ही सीखती हूँ। आकृति, सीखना कितना आसान है या वाकई बहुत कठिन काम है? सीखना देखा जाए तो आसान है, पर उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ के समझ सकते हैं, पर उस चीज़ को गले से निकालना, उस चीज़ को गाना, उस चीज़ को समझ के गाना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज गले से, क्योंकि गले में आपको घुस के कोई नहीं सिखा सकता, वो सुर आपको ही निकालना है। आकृति, कितने साल हो गए होंगे आपको सिंगिंग करते हुए? मुझे करीबन 10 से 12 साल हो गया है गाते गाते। छोटी रही होंगी आप जब आपने सिंगिंग शुरू की? हाँ जी, मैं कुछ प्राइमरी में थी, प्राइमरी स्कूल में थे, तब से आप सिंगिंग कर रहे होंगे। आपने स्कूल स्टेज पे किया होगा, घर के कुछ फंक्शंस में गया होगा। जी जी। अभी तक की सबसे बेस्ट मेमोरी कौन से स्टेज पर है? मैंने एक्चुअली कुछ शोज दिल्ली में भी किए हैं, कुछ मुंबई में किए हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ थे, तो वो एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल शो था, जहाँ जितेंद्र जी आए थे तो, और मैंने उन्हीं का गाना उनके सामने गाया था। एक दिल्ली में शो था, वहाँ काफ़ी सारे अच्छे लोग थे, बप्पी लहरी जी थे, उषा उत्तुप जी थी, आनंद राज आनंद जी थे, पलक मुछाल थी, सोना महापात्रा जी थी, तो इन सभी के सामने मैंने जब गाया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो मुझे आकृति कैसी अच्छा फीलिंग आई थी मंच पर जब इतने सारे सिंगर? मैं बहुत नर्वस थी, स्पेशली जब बप्पी दा जी
इतने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर सामने थे, तो मैं बहुत नर्वस थी, पर जब गाना हुआ तो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। उषा उत्तर जी का नाम दिया आपने, वो एक अलग ही सिंगर है, उनकी अलग ही सुर है, अलग ही आवाज़ है और स्टाइल ही अलग है। कभी उनको ट्राई किया? ऐसे ट्राई तो नहीं किया पर सुना है उन्हें। सुना है। और जब आप मंच पर थे और इतने सारे बड़े सिंगर आपके सामने थे, तो कौन सा गाना आपने गाया? मैंने गाया था मैं तेरे इश्क में मरना चाहूँ कहीं। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। बहुत खूब। और जाहिर सी बात है, इतनी प्यारी आवाज़ है तो सबने अप्रिशिएट भी किया होगा। अभी आकृति, हमको पता चला था कि आप यूट्यूब पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसका क्या राज है? एक्चुअली यूट्यूब की शुरुआत भी मैंने कुछ 1.5-2 साल पहले की थी। मैंने कुछ लता जी के गाने हैं, कुछ नए गाने हैं, उनके कवर्स बनाने शुरू किए, तो मैंने देखा कि कुछ गाने पसंद कर रहे हैं लोग। एक गाना जो मैंने सबसे पहले डाला था उसके 9.1 मिलियन व्यूज़ हैं, उसके ऑलमोस्ट 10 मिलियन, उम्मीद है जल्दी पहुँच जाए। तो ऐसे देखते देखते मेरे करीबन 1,62,000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी यूट्यूब पे, और 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद यूट्यूब की तरफ से मुझे सिल्वर प्ले बटन भी रिवॉर्ड हुआ था, तो वो जब मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे कुछ कुछ गाने हैं जो लोग काफ़ी पसंद करें। अभी रिसेंटली मैंने एक श्रेया घोषाल जी का मैशअप डाला था, उस पर भी 1 महीने के अंदर अंदर 1.5 मिलियन व्यूज़ कुछ हो गए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी फॉलोअर्स हैं आपके यूट्यूब पे भी। और आकृति, लगता है कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं एक स्टार बन चुकी, कभी नहीं, नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत करना है, अभी बहुत करना है, स्टार वाली फीलिंग अभी कुछ नहीं आई। नो डाउट, हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें ऊँचाइयाँ जल्दी मिलती हैं, शायद इसीलिए आकृति ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहती, वो ज़मीन पर रहकर ही, सबके बीच रहकर ही एक बड़ी सिंगर बनना चाहती है। आकृति, आपकी फेवरेट सिंगर्स कौन कौन है? लता जी। लता जी तो एक 80s के जो गाने थे, नो डाउट वो गाने अभी भी मंच, जब भी कोई कार्यक्रम होता है मंच पर, गाने के बिना, हाँ, क्योंकि नए गाने कितने भी आ जाते हैं लेकिन रिवाज पुराने गाने देखते भी हैं कि जिस तरीके से पुराने गानों को आज भी यूज किया जा रहा है, लोग रिक्रिएट कर रहे हैं गानों को। आज भी जितने भी नए मूवीज आती है, एल्बम्स आते हैं, उसमें एक ना एक गाना आपको दिखेगा कि कुछ 90s का हो जाएगा या कोई और मिक्सअप रहता है, कुछ रिक्रिएशन करता है, रिक्रिएशन में 2-4 लाइनें सिग्नेचर लाइन तो ले ही लेते हैं। पुराना गाना जो वो प्रभाव नहीं खत्म हो पा रहा अभी तक। तो अभी रिसेंट में जो रिमिक्स हुआ हो जी लता जी का गाना, कुछ दिमाग में हो तो? लता जी का अभी लग जा गले ही आया था एक मूवी में, वो जॉनिता गांधी ने गाया था, तो एक वो मुझे याद है लता जी का। बाकी 90s के मोस्टली गाने होते हैं जो ग्रेट आँख मारे और ये सब जो आजकल ज़्यादा चलते हैं। तो लता जी के अलावा श्रेया घोषाल की आवाज़ में भी हमने आपको गाते देखा है जी, जी। तो एक आध दो लाइन हमको श्रेया घोषाल के किसी गाने। हाँ जी, उनका मैंने जो अभी एक मैशअप किया था उसमें से ही एक गाना मैं अगर तुम जाओ। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे मतलब आपकी पकड़ लगभग सभी सिंगर्स पर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब गाने सुनूँ, नए पुराने, और क्योंकि आजकल आपको लाइक दौड़ में बने रहना है तो सब कुछ आना तो मजबूरी है आपकी, लेकिन पसंद मुझे मेलोडी। तो आपके बचपन से शुरू होते हैं हम एक बार फिर से, पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई जी? म्यूजिक की या नहीं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी और फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग करने के बाद फिर सिंगिंग में आए, वो एक छोटा सा सफ़र आपका ज़रूर जाना चाहिए। वैसे मेरे पापा का एक्चुअली ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैंने करीबन 7-8 स्कूल्स बदले हैं, पर मैं जब हम भोपाल में आए थे आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, तो उसके बाद यहाँ से प्रॉपर मैंने फिर ट्रेनिंग लेना शुरू की थी म्यूज़िक की। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईदगाह से मैंने अपना स्कूलिंग किया है,
और UITRGPB से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की है और मास्टर्स भी वहीं से किया हुआ है। और म्यूज़िक तो साथ साथ चल ही रहा था, शोज़ भी चल रहे थे, पढ़ाई भी चल रही थी, सब साथ में, दोनों को एक बैलेंस करके हमेशा मैंने कोशिश की है कि पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो। तो मास्टर्स भी अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, रिसेंटली हुआ है मेरे, और बी जो हुई है वो मेरी ऑनर्स में थी। आकृति, कभी मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि इतना पढ़ ली हो, इंजीनियरिंग कर ली है, अब छोड़ो सिंगिंग विंगिंग का जॉब वॉब अच्छा किसी कंपनी में? नहीं, मेरी कंसल्टेंसी फर्म भी है, मैं खुद का सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल का भी काम मैं देखती हूँ, जो भी सिविल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल का काम, तो वो तो एक चीज़ है जो साथ में चल रही है, पर म्यूज़िक ऐसा है जो मैं कभी ना छोड़ सकती हूँ। और एक है कि हाँ, प्लेबैक सिंगिंग करना है तो एक ट्राई तो बनता है लाइफ में। आगे का क्या सोच के रखा है? प्लेबैक ही करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जिससे आप अपनी टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं दुनिया के सामने, क्योंकि स्ट्रगल इतना हो गया है, सिंगर्स इतने आ गए हैं कि इंडिविजुअली सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को आप ना मिल सकते हैं इन पर्सन, ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक YouTube ऐसी चीज़ है कि आप उससे अपनी चीज़ सामने रख सकते हैं। आकृति, आप खुद की आवाज़ में गाते हो, कभी ऐसा लगता है कि जो लोग कॉपी करते हैं, जो लोग एक दूसरे के गाने गाकर बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जैसे लोग जो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं, ये रुकावट या काम करते हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में सभी कॉपी करते हैं। अब सारे सिंगर्स किसी ना किसी को एक आइडल मान के वो बेस लेके सीखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने ओरिजिनलिटी को पॉलिश करते हैं। मैं भी जैसे कुछ कवर सॉन्ग्स किए, अब इतना एक सब्सक्रिप्शन का एक मेरा हो गया है कि इतना फ़ैन बेस है, इतने लोग सुनते हैं मेरा गाना, अब मैं एक ओरिजिनल डालने जाऊंगी कि हाँ, अब मैं ट्राई करूंगी कि देखते हैं लोग पसंद करते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ रहती है कि इनिशियल स्टेज पे सभी मुझे लगता है कि कॉपी तो करते हैं किसी ना किसी को सुन के, देख के। एक्टिंग में भी आपने देखा होगा, कभी ना कभी मैंने भी कहीं सुना है कि अमिताभ जी पहले दिलीप कुमार जी को फॉलो करते थे, लता जी के भी इनिशियल गाने पुरानी जो सिंगर्स थी वो उनकी कुछ कि एकदम से लिखना और कंपोजिंग करना और गा लेना और लोग उसको एक्सेप्ट करें, वो बड़ी एक बड़ी बात है। आपने अभी बताया कि कुछ आप नया करने जा रहे हो खुद का। हाँ जी, वो क्या है? एक मेरा ओरिजिनल है, तन्हाइयां नाम है उसका। तो उसका टीजर मैंने लास्ट वीक अपने चैनल से डाला था और इस वीक मैं वीकेंड पे वो गाना रिलीज करने वाली हूँ। आई होप कि लोग पसंद करें, आप देखते हैं। बिल्कुल, दखल न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका वीडियो बहुत पसंद किया जाएगा। लेकिन दो लाइनें जिससे दर्शकों में उत्साह बना रहे आपका वो वीडियो देखने पर। पहली बार मैं यही वो गाना गाऊंगी। झूठा ही सही मुझे प्यार तो कर, चाहत का मेरी एक बार तो कर, झूठा ही सही मुझे प्यार तो कर, चाहत का मेरी एक बार तो कर। खुद को कितनी दफा समझाया मैंने, थोड़ा रुक जा, थोड़ा इंतजार कर, इंतजार तो कर, इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि वीकेंड पर ये लॉन्च करेंगे आकृति। आकृति से सुरों पर, संगीत पर यूं ही मधुर बातें होती रहेंगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। थोड़ा इंतजार तो कर, आपका इंतजार अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में खत्म हो चुका है। आकृति, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमको वो गाना सुना रही थी जो आप लॉन्च करने वाले हैं। जी, किसने लिखा, कैसे कंपोजिंग हुई उसकी? हाँ जी, मुंबई में ही है हैरी आनंद सर,
एक्चुअली जो मैंने शुरू के कुछ गाने जो यूट्यूब में डाले थे वो काफ़ी अभी चल रहे हैं, यारा सिली सिली, उसके मैंने जैसे बताया कि 9.1 मिलियन व्यूज़ हैं, और ये दिल तुम बिन उसके भी 5.8 मिलियन व्यूज़ हैं। तो उन्हीं ने ये गाने रिक्रिएट किए थे 1.5-2 साल पहले जब मैंने ये गाने डाले थे, तो मैंने देखा कि अच्छे जा रहे हैं, तो फिर मैंने सर को एक बार फिर अप्रोच किया कि सर कुछ साथ में मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ ओरिजिनल करते हैं इस बार। तो फिर उन्होंने ये गाना मेरे लिए लिखा और कंपोजिशन भी उन्होंने किया। आकृति, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, कॉपी से ओरिजिनलिटी पे आ रही हैं। जी जी, गुरु कौन है? हाँ जी, मैंने शुरुआती मेरी जो शिक्षा थी म्यूज़िक की वो सिद्धराम स्वामी पूर्वार जी हैं, यहाँ उनसे मैंने क्लासिकल सीखा है, और स्वर्गीय उस्ताद सरवत हुसैन जी हैं जिनसे मैंने सुगम संगीत सीखा है, और एट प्रेजेंट मैं जब भोपाल रहती हूँ तो कीर्ति सूद जी हैं, उनके यहाँ मैं वॉइस कल्चर वोकल कल्चर के लिए जाती हूँ, और बॉम्बे में है पंडित भावदीप जयपुर वाले जी, उनसे क्लासिकल सीखती हूँ। यहाँ रहती हूँ तो यहाँ वहाँ रहती हूँ। इतने उच्च कोटि के गुरु से आप सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ में सरस्वती तो गले में बैठेंगी ही। आकृति, अभी आपने यारा सिली सिली की बात की जिसमें आपके 9.something मिलियन व्यूअर्स हैं, वो दो लाइनें हो जाए। हाँ जी, श्योर। यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, यारा सिली सिली भूला सिली सिली, हो यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, ये भी कोई आकृति, मुंबई जाते रहते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, किसी ने आज तक ऑफर किया कि आकृति हमारे साथ गाओ या हमारे इस गाने को अपनी आवाज़ दो? हाँ जी, कुछ प्रोजेक्ट्स चलते तो रहते हैं, वहाँ भी मैंने जैसे कुछ सीरियल्स हैं, वहाँ पे डीडी किसान का एक सीरियल था उसके लिए टाइटल ट्रैक, डीडी नेशनल का था क्रांति जो, तो उसका टाइटल ट्रैक, एक सोनी टीवी का भी कोई चैनल था उसमें भी कुछ जो म्यूजिक्स होते हैं, कुछ आलाप्स होते हैं, वो मैंने बॉम्बे में किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ मूवीज़ भी हैं, उसमें भी निडर द फियरलेस, मैंने उदित नारायण जी के साथ एक डुएट गाया था, एक सोलो भी था उस मूवी में मेरा, और रिटर्न ऑफ रणवीर नाम की एक मूवी थी उसमें भी एक डुएट था मेरा, और आनंद राज आनंद जी हैं उनने भी अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस मुझसे गवाई थी, मतलब मैं स्क्रैच वगैरह। उदित नारायण जी के साथ आपने डुएट की बात की तो बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े सिंगर के साथ गाना, तो वो कौन सा गाना था? तू ही मेरा रब है एक गाना था वो, हालांकि मूवी काफ़ी छोटे बजट की थी, तो एक मेरा ये सोचना है कि जो भी आते मेरे रास्ते में जो भी काम आते जाए, मैं तो इनफैक्ट मम्मी में स्क्रैच होता है या कोई एक डमी गाने के लिए बुलाते हैं तो भी मैं गाती हूँ कि उसे एक एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस गेन करना है तो छोटा बड़ा नहीं देखना है, उसको सब कुछ करके दिखाना है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हैं। आकृति, म्यूजिक में आप बहुत आगे जा रही हैं, इसके अलावा आपके कोई और शौक? शौक म्यूज़िक तो एक सबसे बड़ा शौक है पढ़ाई के साथ साथ, और साथ में मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूँ, मैं कहीं भी नई जगह घूमने जाती हूँ तो मैं मुझे और मुझे घूमना बहुत पसंद है। लेकिन ये बड़ा ऑपोजिट जैसा है कि गले का ध्यान रखते हुए खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने एक्चुअली सबका गला अलग अलग होता है, तो मेरा गला ऐसा है कि मुझे कुछ एक दो चीज़ें ही है जो सूट नहीं करती, बाकी मैं सब खाती हूँ। तो मेरी मम्मा बोलती है सब खाओ और गाओ, ये बहुत अच्छा बोलती है कि सब खाओ और सब गाओ, क्योंकि फिर कुछ कई बार खाने में कुछ आ जाए, गला एकदम से खराब हो जाए, तो उसे बेटर है कि आप गले को सब चीज़ की आदत डाल के रखो। ये ज़्यादा बेटर है कि आदत सब चीज़ की होगी तो फिर आपको कहीं झुकना या रुकना नहीं पड़ेगा। पर हाँ, मेरा कभी कोई इंपॉर्टेंट शो होता है या मुझे पता है पहले से रिकॉर्डिंग है, तो उसके एक दिन पहले मैं थोड़ा ठंडा खटाई ये थोड़ा अवॉइड करती हूँ, वैसे मैं सब खाती हूँ, अभी भी मैं आइसक्रीम खा के आ रही हूँ। आकृति, घूमना कितना पसंद है? घूमना मुझे बहुत पसंद है, मैं एकदम अपने मम्मी के पीछे पड़ी रहती हूँ कि साल में एक वेकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उससे रिफ्रेश हो जाते हैं, जो भी काम चलता रहता है, इतने स्ट्रेस, इतने काम होते हैं, कॉलेज भी होता है, ये
कंपनी का काम भी होता है, म्यूजिक तो होता ही होता है साथ में, तो इतना थक जाते हैं सारे काम करते करते कि ऐसा लगता है कि हाँ यार दो तीन दिन की एक छोटी सी वेकेशन हो, शॉर्ट एंड स्वीट। तो आकृति, आप के फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं और मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी 9th स्टैंडर्ड में है। आकृति, आप इतनी मेहनत करते हैं, मुंबई जाना आना आपका लगा रहता है, डेली जगह जगह शोज होते हैं, आपका जाना आना लगा रहता है, उस वक्त मम्मी और पापा का कितना सपोर्ट है? मम्मी या पापा में से कोई साथ रहता ही है मेरे हमेशा, मैं जहाँ भी मेरे शोज़ होते हैं या कहीं भी, इनफैक्ट मुंबई भी आती जाती रहती हूँ, तो पापा तो सिंस जॉब के कारण उतना नहीं टाइम निकाल पाते, पर मम्मा हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और मम्मा इफ़ इन केस बहन के कारण नहीं जा पाती तो मेरी नानी है, नानी हमेशा मुंबई में मेरे साथ जाती। आकृति, आपके आदर्श कौन है? पापा को मैं अपना फॉलो करती हूँ, पापा की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी आज वो जिस पोजीशन पे हैं और जैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसा होना है, बस पापा के जैसा इतना नाम कमाना है और इतना ही मुझे मतलब ऐसा ही रहना है बस। आकृति, दो लाइन है आपके पास, एक इंजीनियरिंग की, हाँ जी, जो आप कर रही हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, आपकी फर्म है, हाँ, एक सिंगिंग की। जी, मौका मिलेगा दोनों लाइन में से सिर्फ एक के पास जाना है जी, तो पहला आपका क्या चुनाव? मैं प्लेबैक के लिए जाना चाहूँगी, क्योंकि फाइनेंशियली एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि एक फेम मिले मुझे, वो मेरे लिए एट प्रेजेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसल्टेंसी तो ठीक है, चल रही है, चलती रहेगी आगे आपकी, और वो फिर से कर सकते हैं, वो जो हुनर है आपका वो खोया नहीं, खोता नहीं। हाँ जी, प्लेबैक का ऐसा है कि अगर आज मौका मिलता है तो आज तो मैं उसको इसमें मौके को आपको पकड़ना है, क्योंकि मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आकृति, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत सारे लाइव शोज चलते हैं अलग अलग चैनल्स पे, म्यूजिक के बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, कभी सोचा कि उन रियलिटी शो में जाके अपने हुनर को दिखाऊं? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो की लाइन थोड़ी अलग हो जाती है प्लेबैक से, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा उसमें फोकस नहीं किया, मैंने सोचा कि यूट्यूब की तरफ से प्लेबैक में जाया जाए, क्योंकि यूट्यूब के भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, जोनिता गांधी हैं, शर्ली सेठिया हैं, सनम पुरी हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें अपना एक अच्छा क्राउड बना के यूट्यूब पे फिर वो प्लेबैक अभी मूवीज़ में कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा है कि हाँ ऐसा कुछ किया जाए। आकृति, कभी सोचा है कि जब मैं प्लेबैक सिंगिंग करने लगूंगी तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसको मैं आवाज़ देना चाहूँगी? मुझे सभी के लिए गाना है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे फेवरेट कोई एक एक्ट्रेस जिसको? दीपिका पादुकोण मुझे बहुत पसंद है। तो दीपिका पादुकोण की फिल्म में आपको अगर प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला तो गाना कैसा भी हो छोड़ेंगे नहीं? कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे कोई मौका नहीं छोड़ना, मुझे सबके लिए गाना है, मुझे मतलब बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो सके, जितना अच्छा मैं कर सकूँ अपनी लाइफ में, मुझे अचीव करना है। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग कौन है? पापा तो आपके आदर्श हैं, मम्मी पापा दोनों। आकृति, आप एक बेटी हैं परिवार की, देश की बेटी हैं, प्रदेश की बेटी हैं, बेटियों के संग आए दिन अत्याचार होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपने जैसा बताया, सबसे पहली बात ये बहुत गलत हो रही हैं, और इसको किसी भी तरह रोकने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जिनके साथ हो रहा है उन्हें भी, अब जो हो चुका है वो एक्चुअली हो चुका है, तो उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए कि प्लीज़ आप आगे बढ़िए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करिए, वो सारी चीज़ें पुरानी भूल के, और ये जो भी चीज़ है उनके खिलाफ मुझे लगता है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि लोगों के मन में डर बैठे इस चीज़ का, कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचें, ये बहुत है। ये आकृति ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों में डर होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले सोचें कि हम क्या करने वाले हैं और अगर हमने किया तो हमारा क्या हर्ष होगा। आकृति, सिंगिंग की हम फिर से बात करते हैं, आप बहुत मधुर गाती हैं, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मैं जैसे लता जी को, तो उनके सारे ही गाने मुझे बहुत पसंद है। कोई कहे एकदम से कि कुछ सुनाओ, हाँ जी, तो कौन सा गाना बाहर आता? वो एक्चुअली मेरा जो लेटेस्ट फेवरेट चल रहा होता है ना दिमाग में, मैं वो सुना देती हूँ। तो जब टाइम होता है, मतलब जैसे 10-15 दिन ये गाना पसंद आ गया तो वो सीख लिया, फिर ऐसा करके नया कुछ भी मैं सीखती रहती हूँ, तो वो चीज़ चलती है। आकृति, कभी ऐसा हुआ है बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए हैं और कोई आपको कस के फॉलो कर रहा है? बहुत होता है, तो कुछ ऐसा? बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत इग्नोर ही करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा वाक्य जो इंटरेस्टिंग भी हो? नहीं, ऐसे इन पर्सन तो हाँ, अभी जैसे मैं 21st को एक इवेंट था, वहाँ गई थी, वो एक्चुअली 10th और 12th के जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे थे उनको एक कोचिंग क्लासेस पढ़ाती हैं,
तो उन्होंने सब टैलेंट सेरेमनी रखी थी, तो वहाँ जब मैं गई तो वो इतने एक्साइटेड थे, वो यूट्यूब पे देखा था उन्होंने मुझे, और इतनी फ़ोटोज़, मैं एकदम बहुत थक गई थी, मैं सब फ़ोटोज़ ऑटोग्राफ फ़ोटोज़ मैम फ़ोटो, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है देख के कि जब ऐसा लगता है ना कि हाँ आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, फिर कई बार ऐसे कुछ लोग प्रेजेंट्स भी भेजते हैं। अभी उन्होंने फिर दूसरे दिन आके एक बहुत बड़ा सा कोलाज मुझे बना के दिया वो फंक्शन का, कुछ गिफ्ट्स भी लोग भेजते हैं कई बार, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार बुके लेके आते हैं लोग, तो ये आदत तो में भी डालना पड़ेगा, प्लेबैक सिंगर बनेगी तो बहुत आगे जाना है और ये सब की आदत होनी ही चाहिए। आकृति, कभी सोचा है कि आप गाने में जिस तरीके की फील्ड पकड़ी है, जो आगे जाना चाहती है? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपके जैसे माँ बाप उनके पास नहीं है, या आपकी जैसे गुरु उनको नहीं मिल पाए, उनके लिए कभी कुछ करना चाहिए? मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, 100% करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं चैरिटी शोज़ भी करती हूँ, मैंने SOS विलेज में कुछ शोज़ किए हैं, सुनामी थी तो उसके लिए मैंने शोज़ करके हम फंड्स को इकट्ठा, मैं आर्मी के लिए भी शोज़ मैंने किए हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो इनके लिए शोज़ करके मैं फ़ंड इकट्ठा करके फिर हम लोग ने भिजवाया भी है, तो मैं चैरिटी भी करती हूँ इन अ वे। आकृति, अगर मैं कहूँ आपको अपने पापा को कोई गाना डेडिकेट करना है, जी वो कौन सा? एक्चुअली मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 25th, तो उसमें मैंने एक गाना ओरिजिनल जैसा ही था वो उनको डेडिकेट किया था मम्मी पापा को, तो वही मैं आपको। है जो तेरा साथ तो मुझे और क्या चाहिए, तू मेरी जमीन आकृति सीमित नहीं है, आकृति वो समंदर है जिनका छोर छूना शायद असंभव है। आकृति, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विशेष प्रतिभाएं हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।